तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक माय ट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वप्नल और आप देख रहे हैं स्वप्नल ट्यूशन। आज हम कवर करने वाले श्रीलंका वुमेंस वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेंस के बीच जो फाइनल और आखिरी T20 मैच खेला जाने वाला है उसके बीच हमारे लिए क्या हो सकती फैंटेसी की ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइस आप सभी को पता ही होगा दो मैचेस खेले गए और दोनों के दोनों न्यूजीलैंड वुमेंस ने विन किए। और इंपॉर्टेंट ये बात रहने वाली है दोनों के दोनों सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते समय विन किए, फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका ने बैटिंग करते समय दोनों के दोनों मैचेस लॉस किए। तो गाइस ये वाला मैच भी कुछ उसी तरह का होने वाला है और ये वाला मैच भी लिटरली न्यूजीलैंड का पलटा थोड़ा सा भारी रहने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी स्ट्रॉग है। क्या इस वाले मैच में भी फिर से ताजा बेट्स 50 रन बनाएंगे, क्या इस वाले मैच में येलता हो फिर से 4 विकेट लेंगे। तो गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोनों टीम्स की क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 और दोनों टीम्स के प्लेयर का पूरा टेस्ट प्लेयर रिकॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो गाइस आपको सिर्फ एक काम करना है, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक वाला बटन दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अपने लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो गाइस पॉसिबल प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से वही रहने वाले क्योंकि श्रीलंका ने भी अच्छा खासा टफ कॉम्पिटिशन दिया है और न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। रिसेंट दूसरे T20 मैच की बात की जाए तो उस वाले मैच में श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग करते समय 118 रन बनाए थे और उनके जवाब में न्यूजीलैंड ने 119 रन बनाए थे। तो लिटरली 18.4 ओवर में मैच फिनिश कर दिया था न्यूजीलैंड वुमेंस की टीम ने। तो गाइस श्रीलंका ने भी अच्छी खासी बॉलिंग की थी तो गाइस थोड़ा सा टफ मैच हो सकता था अगर श्रीलंका की टीम 130-135 रन बना जाती तो गाइस मैच फंस सकता था न्यूजीलैंड के लिए। तो गाइस ये वाला मैच दोनों टीम्स के पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और हम भी पूरी तरीके से हमारा पूरा माइंड फ्रेश करके इस वाले मैच की फैंटेसी की ड्रीम 11 टीम बनाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट। तो गाइस पिच रिपोर्ट क्या कहता है, सारा ओवर कैप्टन में मैच खेला जाने वाला है। टोटल यहाँ पर 4 मैचेस खेले गए और 4 मैचेस जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उस टीम ने सिर्फ एक मैच जीता, जिस टीम ने सेकंड बैटिंग की उस टीम ने 3 मैचेस जीते। गाइस थोड़ा सा जो एडवांटेज रहेगा सेकंड बैटिंग करने वाली, जैसा कि अभी के 2 मैचेस में हुआ, सेकंड जो जिस भी टीम ने बैटिंग की उसकी जीतने के चांसेस रहेंगे। टोट्स की बात की जाए 12 मैचेस खेले गए आमने सामने और 12 में से 12 मैचेस न्यूजीलैंड वुमेंस ने विन किए। तो गाइस यहाँ पर भी थोड़ा सा पलटा भारी रहने वाला है। तो गाइस ये वाला मैच मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी, लेकिन हमारे लिए फैंटेसी की जो टीम रहने वाली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस आपको ये वाला वीडियो स्किप नहीं करना, थोड़ा भी स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो गाइस आपको फुल एनालिसिस नहीं मिलने वाला। तो गाइस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वाली वीडियो और वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दे। पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर वाले सिलेक्शन में आपके लिए कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा फैंटेसी में पॉइंट्स दे सकता है। तो बात करते हैं ए संजीवनी की। तो गाइस ए संजीवनी आपको श्रीलंका वुमेंस तरफ से खेलती हुई नजर आएगी। इनका बैटिंग ऑर्डर काफी लो रहता है, रिसेंट के मैच में 18 रन बनाए थे। तो गाइस रखना चाहते हो एकदम ग्रैंड लीग वाली टीम में रख सकते हो, अदरवाइज स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। बात की जाए बेंच आउट की तो गाइस इन्होंने रिसेंट के मैच में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, 24 रन बनाए थे। तो गाइस न्यूजीलैंड वुमेंस के लिए आपको ओपन करती हुई नजर आएंगे। तो गाइस विकेट कीपर वाली सिलेक्शन में आप बेंच आउट को ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ग्रैंड लीग वाली टीम में ट्राई करना चाहते हो ए संजीवनी को आप जीएल वाली टीम में जरूर ट्राई कर लेना। और बैटिंग वाले सिलेक्शन में आते तो गाइस साजा बेट्स जो कि पिछले मैच की हीरो है, क्या इस वाले मैच में भी साजा बेट्स 50 रन बनेंगे। तो गाइस आपको इस प्लेयर का फुल एनालिसिस मिलने वाला है। तो गाइस इस प्लेयर को थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ सीएस कुमारी बॉलिंग कर रहे थे रिसेंट के मैच में, इनके सामने खेलते समय थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है और आई रनवीरा के सामने जिन्होंने रिसेंट के मैच में काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग डाला था। तो गाइस साजा बेट्स को ये थोड़ा सा तंग कर सकती है, ये बांग्लादेश की 2 बॉलर यश कुमारी और आर रनवीरा। तो गाइस इन दोनों प्लेयर के सामने साजा बेट्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। तो गाइस हो सकता है इस वाले मैच में जल्दी साजा बेट्स का विकेट गिरे। तो गाइस ये चीज़ रहेगी, इसे साजा बेट्स ने अदरवाइज रिसेंट के मैच में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस आप इनको ड्रॉप मत करना, टीम में आपने जरूर लेके चलना और कप्तान वाइस कप्तान थोड़ा सा आप डिफरेंट कर सकते हो इस वाले मैच में। और इनके अलावा बात कीजिए ये समर विक्रमा की। तो गाइस ये समर विक्रमा की बात कीजिए रिसेंट के मैच में इन्होंने 23 रन बनाए थे। तो गाइस आपको वन डाउन बैटिंग करती हुई नजर आएंगी, काफ़ी अच्छी बैटिंग करती है। तो गाइस रखना चाहते हो बड़ी वाली ग्रैंड लीग में रख सकते हो, अदरवाइज स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। एन डी सिल्वा की बात की जाए तो गाइस इन्होंने रिसेंट के मैच में 22 रन बनाए थे। तो गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ग्रैंड लीग वाली टीम में, अदरवाइज स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। बात की जाए एम ग्रीन, तो गाइस एम ग्रीन का भी कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं, रिसेंट के मैच में बैटिंग आई नहीं थी और उसके पिछले मुकाबले में कुछ खास इंप्रेस नहीं किया। वीर रजा पंक्षा की बात की जाए तो गाइस इनको रखना चाहते हो ग्रैंड लीग में रख लेना, अदरवाइज अगर आप स्मॉल लीग में ट्राई करोगे तो गाइस आपका लॉस हो सकता है। और इनके अलावा बात कीजिए यच परेरा, तो गाइस यच परेरा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रह सकती है क्योंकि जिन्होंने रिसेंट के मैच में काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की थी, 33 रन बनाए थे। तो गाइस आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकती है। तो गाइस बैटिंग वाली सिलेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ खास इंप्रेस करने वाले बैटर्स नजर नहीं आने वाले, जो कि मतलब दोनों टीम्स के पास उतने कुछ खास बैटर्स नहीं है। बात करते हैं ऑलराउंडर्स वाली सिलेक्शन में, तो गाइस दोनों टीम्स के पास काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर्स रहने वाले। तो गाइस ऑलराउंडर वाले सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको नाम आता है
चिया अट्टा पोटो का गेम प्ले बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन गाइस रिसेंट के दो मैचेस में फॉर्म में नहीं है बैटिंग बॉलिंग दोनों से। हो सकता है इस वाले मैच में कुछ बड़ा करे, रिसेंट के मैच में सिर्फ 2 रन बनाए थे। श्रीलंका वुमेंस के लिए आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी। उनके अलावा बात कीजिए एमिलियाना केयर, तो एमिलियाना केयर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि रिसेंट के मैच में 33 रन बनाए थे, 1 रन बैटिंग करती न्यूजीलैंड वुमेंस के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रहने वाला इनका। बात कीजिए यश ड्वेन, तो यश ड्वेन का मतलब काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, ये 4th पोजीशन पर बैटिंग करती है और रिसेंट के मैच में 5 रन बनाए थे, तो जल्दी मैच फिनिश होगा, अदरवाइज ये ज़्यादा भी स्कोर बना सकती है। तो ये चीज़ रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है तीन आपको टॉप के। और इनके अलावा बात की श्रीलंका वुमेंस की तरफ से आपको के दिलेरी नजर आएगी, जिनका रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है। के दिलेरी की बात की रिसेंट के मैच में 1 विकेट निकाला था, तो बॉलिंग से ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया, लेकिन गाइस काफ़ी अच्छी बॉलिंग डालती है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकती है। श्रीलंका वुमेंस के लिए 4th पोजीशन पर बैटिंग करती हुई नजर आएगी। इनके अलावा बात की जेल स्पेक्स, तो क्या इनका कुछ ज़्यादा खास रिकॉर्ड रही नहीं, मतलब रहा नहीं है, तो क्या जिसकी वजह से आप इनको ग्रैंड लीग वाली टीम में ट्राई मतलब ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आप स्मॉल लीग में जरूर अपनी टीम में लेके चलते हो। और बॉलिंग वाले सिलेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रहने वाला आई रनवीरा ने रिसेंट के मैच में 1 विकेट निकाला है, तो क्या श्रीलंका के लिए सिर्फ 2 ही बॉलर्स ने विकेट निकाला है, एक तो के दिलेरी और आई रनवीरा, तो क्या दोनों में से आप दोनों को उठा सकते हो, क्योंकि दोनों के पास क्वालिटी बॉलर है और जिन दोनों की काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग रहती है, तो क्या जिसकी वजह से आप दोनों में से 2 बॉलर्स को ये श्रीलंका की तरफ से उठा सकते हो। इनके अलावा बात की यल ताऊ ने रिसेंट के मैच में काफ़ी इंप्रेस किया था, श्रीलंका का पूरा बैटिंग ऑर्डर तहस महस कर दिया था, 4 विकेट निकाले थे, तो और न्यूजीलैंड के लिए भी सिर्फ 2 ही बॉलर ने विकेट निकाले थे, एक तो यल ताऊ और दूसरे जो रहने वाले क्या ई कैरसन, तो इन दो बॉलर्स ने विकेट निकाला, तो इनके अलावा न्यूजीलैंड के लिए दूसरे बॉलर्स ने विकेट नहीं निकाला है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। और इनके अलावा बात कीजिए यश कुमारी, तो यश कुमारी ने बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन डाली थी, लेकिन इनको विकेट मिला नहीं था, लेकिन बॉलिंग अच्छी खासी डालती हुई नजर आएगी। और इनके अलावा बात कीजिए सी कैरसन, जिन्होंने रिसेंट के मैच में 1 विकेट निकाला, तो हम इनको अपनी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों वाली टीम में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी जो फैंटेसी की टीम है, मैंने जैसे कि वीडियो के पहले ही भी बताया था, तो इस वाले मैच की जो फैंटेसी की टीम रहने वाली है काफ़ी ईजी रहने वाले, क्योंकि दोनों टीम्स के पास मतलब ज़्यादा कुछ खास प्लेयर्स नहीं है सिवाय न्यूजीलैंड के पास काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाले प्लेयर है। इसकी वजह से कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर आप देख सकते हो 7-4 का कॉम्बिनेशन बना है, और 4 प्लेयर मैंने सिर्फ श्रीलंका वुमेंस के ट्राई किए थे, तो मुझे पहले भी लग रहा था कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम सेफ चॉइस रहने वाला है। और जो मेरी जो फैंटेसी की ड्रीम इलेवन रहती है, तो मैं हर बार की तरह 70% जो टीम वीडियो में मैंने बताई वही टीम रहती है, तो इनमें से एक आधा प्लेयर नहीं खेल रहा, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों साइड में मिल जाएगा। और कप्तान वाइस कप्तान आप किस प्लेयर को कर सकते हो, इस वाले मैच में आप साझा बैट्स को कप्तान कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप ग्रैंड लीग वाली टीम खेल रहे हो, तो एमिलियाना केयर आपके लिए गुड चॉइस रहने वाली है, और यल ताऊ वाइस कप्तान कर सकते हो। और इनके अलावा यश ड्वेन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और चिया अट्टापोटो का भी रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, तो इन 4 प्लेयर में से आप किसी को भी कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, तो गाइस आप क्या कर रहे हो, गाइस सिर्फ वीडियो वॉच करते हो, तो गाइस 1 लाइक से आपके बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो गाइस फटाफट से 1 वीडियो को लाइक, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर देना, ताकि अपने लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं अगली वाली लेटेस्ट वीडियो में।